हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, देन प्लीज मेक श्योर लाइक करिएगा इस वीडियो को। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और शेयर करिएगा अपने क्लोज वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, देन प्लीज मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, और वीडियो को बताइएगा कि आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो है गेट रेडी विथ मी। सो दिस इज माई थर्ड गेट रेडी विथ मी वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बिना लाइक और कमेंट किए बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आगे भी मैंने दो गेट रेडी विथ मी वाले वीडियोस डाले थे। आई गेस ये मेरा लास्ट गेट रेडी विथ मी वाला वीडियो होगा, फिलहाल के लिए लास्ट होगा, क्योंकि ये सारे मैंने वीडियोस पहले ही बना के रखे थे, बस मुझे एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। और अब जब मिल रहा है तो मैं उसका स्टार्टिंग और एंडिंग बना के मैं एडिट करके अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करूं। सो चलिए हम चलते हैं हमारे गेट रेडी विथ मी वीडियो की तरफ। और जैसे कि मैंने अपने पहले भी वीडियोज में कहा है कि मेरा जो भी मेरे वीडियोज होते हैं वो बहुत नॉर्मल सिंपल मेकअप से होते हैं, नॉर्मल लाइक छोटे मोटे पार्टी फंक्शंस के लिए होते हैं, हाई मेकअप नहीं है। कि जिनको अगर मेकअप करना नहीं आता है वो बहुत इजीली सीख सकते हैं। सो या दैट्स इट, चलिए हम पहले चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने क्लींजिंग कर ली है अपने फेस की, मैंने फेस वॉश कर लिया है, मैंने ब्लाउज के ऊपर टी शर्ट पहन रखा है, येस आई नो, बिकॉज मुझे उसके बाद तुरंत रेडी होना है। सो यह आई एम यूजिंग गुलाब जल। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, मैं नॉर्मल मेकअप दिखा रही हूँ इसीलिए आई एम यूजिंग नॉट एनी अदर ब्रांड, जस्ट रोज़ वाटर। आपके घर में भी मिल जाएगा वो आपको। नाउ अभी ये पूरा ड्राई हो चुका है, पूरा सोख हो चुका है मेरे बॉडी में, अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है। नाउ आई एम यूजिंग बायोटिक का मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो फेयर एंड लवली भी लगा सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगी। सो ये मॉइस्चराइज़र डैब डैब करते हुए मैं अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। अच्छे से इसे अपने फेस में आपको अब्जॉर्ब होने देना है, अच्छे से आप मसाज कर लीजिए पहले फिंगर टिप की हेल्प से, और उसके बाद आप अपने पूरे हाथों का इस्तेमाल करते हुए अगर एक्स्ट्रा पार्ट कहीं पे भी है तो आपको उसको निकाल देना है, ओके, बिकॉज़ वो एकदम ग्रीसी टाइप नहीं दिखना चाहिए, ओके। सो या अच्छे से आप अपने पहले फिंगर टिप से लगा लीजिए, और फिर अपने पूरे हाथों का इस तरह से इस्तेमाल करते हुए अगर कहीं पर ज़्यादा ग्रीसी दिख रहा है तो उसे निकाल लीजिए, ओके। सो ये देखिए पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया। एक्स्ट्रा जो भी है अपने हाथों में आप रब कर सकते हैं, या तो टिश्यू पेपर में आप वाइप कर दीजिए। पिंपल्स के मार्क छोड़ के चले गए हैं, बाकी सब कुछ है, और आपको कुछ डार्क सर्कल्स दिख रहे होंगे, अंडर आई डार्क सर्कल्स है, मेरे अपर लिप्स भी थोड़े डार्क है। सो अब पहले मैं अपने लिप्स पे बाम लगा लूँ, बिकॉज अभी मेकअप करने के टाइम पे वो मेरे लिप्स को बहुत खींचते हैं, ओके। सो अब हम जो पैचेस वगैरह दिख रहे हैं हम उसको कवर करेंगे। ये आई हैव इन ऑरेंज लिपस्टिक। आप अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप ऑरेंज लिपस्टिक बाय कर लीजिए, वो आपको रीजनेबल प्राइसेस पे बहुत अच्छे क्वालिटी के लीजिएगा। कोई भी चालू माल लेंगे तो वो आपके मेकअप को ख़राब कर सकता है, मेकअप पूरा अच्छा होने के बाद वो पता चलेगा लिपस्टिक की वजह से आपका पूरा मेकअप ख़राब हो रहा है। अगर कलर करेक्टर आप बाय कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो ऑरेंज लिपस्टिक बाय कर लीजिए, ओके। सो जहाँ जहाँ मेरे डार्क सर्कल्स है, जैसे कि अपर लिप एरिया डार्क है, देन मेरे पिंपल्स वाले निशान जो है, जहाँ जहाँ डार्क दिख रहा है या दाग दिख रहे हैं, मैं उन सब जगह पर ऑरेंज लिपस्टिक लगा रही हूँ। मैं इसे लिप्स पे यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं इसे एज कलर करेक्टर यूज़ कर लेती हूँ। सो ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, आप चाहे तो फिंगर टिप से भी ब्लेंड कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर से, डैम ब्यूटी ब्लेंडर से आप इसे डैप डैप मोशन में डैप डैप करते हुए अपने उसी एरिया में लगाइए, पूरे जगह पे फैलाइएगा नहीं, और पूरी तरह से उसे निकालिएगा नहीं, वरना कोई मतलब ही नहीं होगा उसको लगाने का अपने फेस पे। सो आराम से करते हुए अच्छे से उसको लगा लीजिए। ज़्यादा घसोगे, घसना तो बिल्कुल नहीं, अगर घसोगे तो बहुत लाइक वो निकल ही जाएगा एक हिसाब से, और लगाने का कोई मतलब नहीं होगा, ओके। तो
इस तरह से डैब डैब करिए कि लगा के भी नहीं लगा हो। ओके, ये देख सकते हैं आप कि कैसा था कैसा हो गया है, ऑरेंज ऑरेंज कलर दिख रहे हैं। सो ये आई एम यूजिंग लैक्मे का 925 सीसी क्रीम। ओके, आप बीबी क्रीम ले सकते हैं, सीसी क्रीम ले सकते हैं। मैं बीबी क्रीम के ऊपर दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगी स्पेशली। ओके, बिकॉज कई लोगों को बीबी क्रीम यूज़ करना अभी भी नहीं आता है किस वे में यूज़ करें, बिकॉज वो पैचेस जैसे दिखने लग जाते हैं। सो फिंगर की हेल्प से मैं टिप जैसे लगाते हुए अपने पूरे फेस पे उससे लगा लूँगी। पहले आप वहाँ लगाइए जहाँ पे आपने कलर करेक्टर लगाया, और फिर पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लीजिए कुछ इस तरीके से। अब सेम ब्यूटी ब्लेंडर से जो डैम है, गीला नहीं है, पानी नहीं टपक रहा है, उसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अपने पूरे फेस पे इसे प्रॉपर इक्वल, एक ये देखिए प्रॉपर इक्वली मैंने इसे स्प्रेड कर लिया है। एक्स्ट्रा जो भी है वो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाता है। ओके, सो या दैट्स इट, हो गया है, मैंने अपना सीसी क्रीम स्प्रेड कर लिया है प्रॉपरली। और ज़्यादा घसोगे ना तो वो सब निकल ही जाएगा, फिर वो कोई मतलब नहीं है आप लोगों के लगाने का। इसीलिए लगाते टाइम प्लीज़ मेक श्योर, आप डैम करते टाइम प्लीज़ मेक श्योर आप उसे घसीए बिल्कुल भी मत। जैसे मैं टैप टैप कर रही हूँ वैसे ही टैप टैप आपको भी करना है। नेक्स्ट इज़ वाइट टोन पाउडर। ये आप पॉन्स पाउडर ले लीजिए, वाइट टोन पाउडर ले लीजिए, सैंडलवुड पाउडर ले लीजिए, जो आप यूज़ करते हैं वही। ये मेरे पास एक नॉर्मल ब्रश है, अगर आपके पास ब्रश है तो बहुत अच्छी बात है, ब्रश से लगाना बहुत अच्छी बात है। ये उड़ रहा है इसलिए मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ा। ये देखिए, पहले अंडर आइज़ पे जहाँ हमने कलर करेक्टर लगाया था, पहले उन सब जगहों पे हम लगा लेंगे। ओके, क्योंकि वो सारी जगह मेल्ट नहीं होनी चाहिए। सो ये सब कर लीजिए आप इस तरीके से, और फिर उसे स्प्रेड कर लीजिए, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो सब निकल जाएगा। और इससे क्या होता है ना, ब्रश से सिर्फ काम का ही लगता है, एक्स्ट्रा नहीं लगता है, ऐसे ओवर नहीं करना है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं नॉर्मल ही रख रही हूँ इस मेकअप को, आप किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में इजीली कर सकते हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ट्रस्ट मी, हार्डली मुझे ये करने में 15 मिनट लगा होगा, उससे ज़्यादा नहीं, हार्डली 15 मिनट भी नहीं, हाँ 15 मिनट आप पकड़ के चलिए, इसलिए मैं कह रही हूँ हार्डली 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। सो ब्रश का जो आगे वाला पार्ट है, जो ब्रश है मेन, वो बहुत ही सॉफ्ट है। आपको लग रहा है कि मैं दबा के घस रही हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इतना सॉफ्ट है ना कि मैं बहुत सॉफ्ट हैंडेड उसे अपने फेस पे रब कर रही हूँ। ओके, अब आप अपने पहले ऊपर वाला पार्ट आईज और फॉरहेड कर लीजिए, और फिर अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। ये देखिए कितना एक फ्लॉलेस स्किन जैसा दिख रहा है। ओके, एक फ्लॉलेस स्किन दिख रहा है, और ये है एकदम नॉर्मल मेकअप। मैंने हाथों में जितना पाउडर ली थी मैंने उतने में ही अपने पूरे फेस पे लगा ली हूँ। मैंने एक्स्ट्रा एक लाइक थोड़ा सा भी, मैंने एक चुटकी भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं ली हूँ। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर आई शेडो। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ आई शेडो अपने फेस पे। ब्लैक आई शेडो है, उसे मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी, अपने आईज़ पे लगाऊँगी उसको, बिकॉज मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ वो रेड और ब्लैक जैसा है। सो अगर आपके पास ब्रश नहीं है, आप नॉर्मल मार्केट से ऐसा वाला ब्रश बाय कर सकते हैं, जैसा फ़िलहाल मेरे हाथ में आपको दिख रहा है। ये ब्रश बाय करना ज़्यादा महंगा नहीं आता है, आपको रीज़नेबल प्राइस में ये मिल जाएगा, इसलिए ज़्यादा घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ओके, वो थोड़ा ऊपर एक्स्ट्रा निकल गया है, बिकॉज़ आँखों में लेंस लगाने के बाद जब भी मैं इस तरीके से आई शेडो लगाती हूँ तो मेरे आँख की पलके जो है वो हिलने लगती है, तो उसमें थोड़ा सा डर लगता है। ये देखिए मैंने दोनों आँखों पे कर लिया। अब ये रेड आई शेडो लेके मैं बीचों बीच में, जहाँ ब्लैक है उसी के ऊपर मैं बीचों बीच में मैं इसे लगाऊंगी और स्प्रेड भी करती जाऊंगी साथ ही साथ में, तो वो बीच में से एक रेड का शेड देगा मुझे। और ऐसा सेम मैं अपनी दोनों आँखों पर करूँगी, ज़्यादा नहीं देना है मुझे, एक आध बार ब्रश मेरे आँखों में भी लग जाती है, इसलिए मैं कैमरे में देख के नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं लोग कैसे कैमरे में देख के मेकअप कर लेते हैं, बट ट्रस्ट मी मुझसे नहीं होता है। आई होप मैं और अच्छा कर सकूँ इससे, धीरे धीरे मैं ट्राई करती रहूँगी, एंड
आई नो एक दिन प्रॉपर वीडियो मुझसे बनेगा, मैं पूरा वीडियो में कैमरे में देख के बना लूँगी। मैं मस्करा एंड आईलाइनर भी लगाना होता है तो मुझे मिरर में देखना होता है, मुझसे नहीं होता है कैमरे में देख के होना। सो या दैट्स इट, हो गया। सो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग। अब मैं लगा लूँगी मस्करा एंड आईलाइनर। हाँ, सबसे पहले अभी यूज़ करूँगी मैं आईब्रो पेंसिल। मेकअप करने के बाद क्या है ना, जब सीसी क्रीम फाउंडेशन हम वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, फेस जो हम क्रीम वगैरह लगाते हैं तो वो आईब्रोज पे भी लग जाते हैं, तो इसीलिए आईब्रो का कलर बहुत लाइट दिखने लगता है। सो जस्ट उसको हल्का सा डार्क करना है, उसे थोड़ा सा ऐसे दिखना चाहिए, वरना वो क्रीमी क्रीमी जैसा दिखता है वो पता ही चल जाता है, दूर से नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप किसी के सामने हैं, आप किसी के पास खड़े होकर बात कर रहे हैं तो वो क्रीमी जैसा टेक्स्चर आता है फेस पे। सो इसलिए उसे हल्का सा आप डार्क कर लीजिए, और उसी के साथ कई बार ब्रश भी आता है तो उस ब्रश की हेल्प से आप अपने आईब्रोज को सेट कर लीजिए। ओके, ये देखिए, ये रहा ब्रश। पहले ऊपर की तरफ लीजिए और थोड़ा दबा के लीजिए, तो जहाँ पे भी एक्स्ट्रा पेंसिल लग जाता है ना तो वो निकल भी जाया करेगा एट अ टाइम। ओके, सो ये देखिए, इस तरह से ब्रश करिए, पहले ऊपर लीजिए, ऊपर ऊपर ऊपर, एंड देन ऊपर की तरफ होते हुए उससे आप एक प्रॉपर शेप दे दीजिए। ओके, सो दैट्स इट। ये इस तरीके से, ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा, एंड मैं आपको प्रिफर करूँगी ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल, बिकॉज ब्लैक कलर का सेम टू सेम करने से बहुत डार्क दिखता है। ये देखिए, दिख ही रहा है, मैंने यूज़ किया है बट वो दिख रहा है, डार्क है, काफ़ी डार्क है। मेरे पास ब्राउन कलर भी है बट वो थोड़ा दूर रखा था इसलिए मुझे लेने में आलस हुआ, ये पास में था इसलिए मैंने वही ले ली हूँ। ये मैं यूज़ करने जा रही हूँ लोकल मार्केट से बाय किया हुआ आईलाइनर, मेरे पास अच्छी क्वालिटी का AYA वाला है, आपने पहले भी मेरे वीडियोस में देखा है। एज आई सेड, मैं कैमरे में देख के नहीं कर पाती हूँ। सो या दैट्स इट। सो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज मेक श्योर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और शेयर करना आपके ऊपर है। और आप मुझे मौज ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों की आईडी मैंने नीचे दे रखी है। और मेरा एक सेकेंड चैनल है टैरो गर्ल प्रिया, आप चाहे तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और जाने से पहले बताइए कि जरूर कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा है। मैंने आगे भी दो गेट रेडी विद मी वाले वीडियोस डाले हैं, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।